फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉस्ट पीसेस क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए बीपीएससी पैटर्न पर आधारित श्रृंखला का अगला भाग लेकर उपस्थित हुए। चलिए चलते हैं इन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, चीन की राजधानी बीजिंग में चल रही सातवीं चाइना पैरा एथलेटिक्स क्लड ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप्स में मेरठ की फातिमा खातून ने डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता? आपके ऑप्शंस हैं ए रजत पदक, बी स्वर्ण पदक, सी कांस्य पदक, डी इनमें से कोई नहीं, ई उपर्युक्त में एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है सी कांस्य पदक। फातिमा खातून ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता भारत के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2019 में पर्पल कैप का खिताब जीता? आपके ऑप्शंस हैं ए शुभम गिल, बी डेविड वार्नर, सी इमरान ताहिर, डी अंबिता रायटू, ई उपर्युक्त में एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है सी इमरान ताहिर। इमरान ताहिर जो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी थे, उन्हें एक पर्पल कैप दिया गया जो कि अधिक विकेट लेने के लिए दिया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल 2019 का खिताब जीता है? आपके ऑप्शंस हैं ए हैदराबाद सनराइजर्स, बी चेन्नई सुपर किंग्स, सी कोलकाता नाइट राइडर्स, डी मुंबई इंडियंस, ई उपर्युक्त में एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। और आपका उत्तर है डी मुंबई इंडियंस। आईपीएल 2019 का खिताब मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर जीता। मुंबई इंडियंस का ये चौथा खिताब है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, प्रसिद्ध बिरहा गायक का क्या नाम है जिन्हें बिरहा सम्राट भी कहा जाता था? इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपके ऑप्शंस हैं हीरालाल यादव, अश्विनी चौबे, रमेश चंद्र, कमल किशोर नारायण, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है हीरालाल यादव। हीरालाल यादव प्रसिद्ध बिरहा गायक थे जिनका भी हाल में निधन हो गया। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 को किस नाम से मनाने के लिए भारतीय थल सेना ने हाल ही में घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं ए ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन, बी नेशन फर्स्ट, सी कंट्री ऑफ वॉरियर्स, डी माई नेशन माई प्राइड, ई उपर्युक्त में एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। और आपका उत्तर है ए ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन। 2019 को भारतीय थल सेना इसी नाम से मनाएगी। अगला प्रश्न, केरल में मंदिरों के उत्सव के नाम से प्रसिद्ध किस उत्सव का हाल ही में शुभारंभ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए ओनम, बी त्रिशूर पूरम, सी विशु, डी अरनमूला बोट रेस, ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है बी त्रिशूर पूरम। केरल के मंदिरों में जो उत्सव मनाया जाएगा उसे त्रिशूर पूरम कहा जा रहा है। अगला प्रश्न, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने एपिगोमिया ब्रांड के तहत फ्लेवर्ड योगर्ट, स्मूदीज और मिष्टी दोई बनाने वाली कंपनी ड्रम फ्रूट्स इंटरनेशनल में निवेश किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए रानी मुखर्जी, बी सोनम कपूर, सी माधुरी दीक्षित, डी दीपिका पादुकोण, ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। और आपका उत्तर है
डी दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण ने ये निवेश किया है इस कंपनी में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने पाकिस्तान की एक और चीन की कई कंपनियों समेत 12 विदेशी कंपनियों को अपनी एंटिटी सूची में शामिल किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी नेपाल, सी रूस, डी भारत, ई उपर्युक्त में एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है ए अमेरिका। अमेरिका ने एंटिटी सूची में पाकिस्तान और चीन की 12 विदेशी कंपनियों को डाला है। देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ियों पर समर्पित पत्रिका आरंभ करने वाले प्रकाशक का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं अरविंद चौहान, बी संदीप सैनी, सी आशीष सूद, डी यश लाहोटी, ई उपर्युक्त में एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है डी यश लाहोटी। यश लाहोटी ने पहली बार महिला क्रिकेट खिलाड़ियों पर समर्पित पत्रिका का आरंभ किया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मैकेन इंस्टीट्यूट अवार्ड 2019 में सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए छाया शर्मा, बी आरती घोष, सी पृथ्वी बनर्जी, डी आलोक मेहता, ई उपर्युक्त में एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है ए छाया शर्मा। छाया शर्मा को ये अवार्ड दिया गया है। ये छाया शर्मा आईपीएस ऑफिसर है और दिल्ली के निर्भया जो कांड हुआ था उसमें इनके ही नेतृत्व में इन्वेस्टिगेशन किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा हाल ही में ह्यूमन टिश्यू की मैपिंग करने के लिए किस नाम से पहले आरंभ की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए जीवन, बी मानव, सी आकृति, डी संभव, ई उपर्युक्त में एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है बी मानव। मानव नाम से पहले आरंभ की गई है उनका टिश्यू का मैपिंग करने के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस सरकारी इकाई द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को फंडिंग देने के लिए 700 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए आरबीआई, बी एसबीआई, सी नाबार्ड, डी बेल, ई उपर्युक्त में एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। और आपका उत्तर है सी नाबार्ड। नाबार्ड ने 700 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नवीन पटनायक ने लगातार कितनी बार ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? आपके ऑप्शंस हैं ए चौथी बार, बी पांचवी बार, सी दूसरी बार, डी तीसरी बार, ई उपर्युक्त में एक से अधिक। आपका उत्तर है बी पांचवी बार। नवीन पटनायक ने लगातार पांचवी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्रिकेट विश्व कप के अपने दूसरे अभ्यास मैच में भारत ने किस देश को 95 रनों से हरा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी न्यूजीलैंड, डी पाकिस्तान, ई उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है ए बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश को 95 रनों से हराया।
अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश के इगोर स्टिमेक को भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए जापान, बी चीन, सी रूस, डी क्रोएशिया, ई उपर्युक्त में एक से अधिक के उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है डी क्रोएशिया। भारत के जो नए फुटबॉल टीम कोच इगोर स्टिमेक है वो क्रोएशिया के हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य की पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर जन्मदिन मनाने के दौरान चेहरे पर केक लगाने, टेप चिपकाने, फोम या अन्य केमिकल फेंकने पर प्रतिबंध लगाने को लेकर निषेधाज्ञा जारी की है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात पुलिस, बी बिहार पुलिस, सी राजस्थान पुलिस, डी झारखंड पुलिस, ई उपर्युक्त में एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है ए गुजरात पुलिस। गुजरात पुलिस ने ये निषेधाज्ञाएं जारी की है। देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने देश भर में भूजल संसाधनों पर दबाव कम करने और शोधित अवशिष्ट जल का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 18 राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों को कार्य योजना जमा करने का निर्देश दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 4, सी 7, डी 5, ई उपर्युक्त में एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है ए 2। NGT ने 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को दबाव भूजल संसाधनों पर दबाव कम करने और शोधित अवशिष्ट जल का उपयोग सुनिश्चित करने की योजना में शामिल किया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, किस देश में स्थित एक लैबोरेटरी के सेंसर्स के अनुसार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 415.26 PPM अर्थात पार्ट्स पर मिलियन पहुंच गया और मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी नेपाल, ई उपर्युक्त में एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है ए अमेरिका। अमेरिका में वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 415.26 PPM पहुंच गया। देखते हैं अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किस देश के कप्तान इयान मॉर्गन को एक वनडे के लिए सस्पेंड कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी श्रीलंका, सी इंग्लैंड, डी न्यूजीलैंड, ई उपर्युक्त में एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है सी इंग्लैंड। इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन को ICC ने एक वनडे के लिए सस्पेंड कर दिया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने भारतीय विमानों के अपने एयर स्पेस में घुसने पर लगा प्रतिबंध 30 मई तक बढ़ा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी चीन, सी रूस, डी पाकिस्तान, ई उपर्युक्त में एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है डी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 30 मई तक यह प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न, नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत किस राज्य में गंगा के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थलीय समुदाय और अन्य हितधारकों के सहयोग से 10,000 रुद्राक्ष के पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड,
बी बिहार, सी पंजाब, डी झारखंड, ई उपरोक्त में एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में नमामि परियोजना के तहत गंगा के जल ग्रहण क्षेत्र में समुदाय और अन्य हितधारकों के सहयोग से रुद्राक्ष पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, आरबीआई ने ई पेमेंट सिस्टम के लिए किस नाम से पहल आरंभ की है? आपके ऑप्शंस हैं मिशन 2021, विजन 2021, सी योजना 2020, डी ई भारत 2022, ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है बी विजन 2021। आरबीआई ने ई पेमेंट सिस्टम के लिए विजन 2021 नाम से पहल आरंभ की है। अगला प्रश्न, अमेरिका के किस संस्था द्वारा पहली बार पूरी तरह रिसाइकिल होने वाली प्लास्टिक की खोज की है? आपके ऑप्शंस हैं ए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट, सी लॉरेंस बर्केली नेशनल लेबोरेटरी, डी येल यूनिवर्सिटी, ई उपर्युक्त में एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है सी लॉरेंस बर्केली नेशनल लेबोरेटरी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में जीएसआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में भारत के कुल ग्रेफाइट का 35% भाग मौजूद है? आपके ऑप्शंस हैं ए ओडिशा, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी पश्चिम बंगाल, ई उपर्युक्त में एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत के कुल ग्रेफाइट का 35% भाग मौजूद है। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, रेल अधिकारियों ने 16 मई 2019 को बताया कि भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ने बिना कोई ट्रिप या फेरी छोड़े अपनी कितने लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है? आपके ऑप्शंस हैं ए 5 लाख किलोमीटर, बी 1 लाख किलोमीटर, सी 2 लाख किलोमीटर, डी 3 लाख किलोमीटर, ई उपयुक्त में एक से अधिक के उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है बी 1 लाख किलोमीटर। वंदे भारत एक्सप्रेस ने 1 लाख किलोमीटर तक की यात्रा पूरी कर ली है। ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।